क्लाइमेट इज जस्ट एज गुड एज हेवन। बहुत रेयर केस में होता है कि बारिश आने के पहले इतनी अच्छी हवा चल हवा चलती है, बट ये बारिश आने के बाद चलती ठंडी वाली। बारिश आने के पहले इतनी अच्छी हवा चल रही है और लकीली बारिश में भीगे बिना ही मुझे ये सीन कॉट करने का चांस मिल गया। इतना अच्छा मौसम है कि आई रियली मिस बीइंग ऑन टेरेस। बस तो हम आए थे सोच के कि अच्छा खासा मौसम हो रहा है, बारिश वगैरह होगी, बट समाओ बारिश तो नहीं हुई, बट हाँ अच्छा व्यू जरूर मिल गया। आने वाली 9th को यानी 9th ऑफ जुलाई को आराध्या उर्फ अल्फा उर्फ कुगू हो जाएगी 1 साल। अब 1 साल के होने के उपलक्ष्य पे कुछ ज़रूर होगा, बट उसी की तैयारी के लिए अब हम जा रहे हैं। अरे अरे आराम से भाई, मोटरसाइकिल गिरा रहे तुम, खुशी में। भागी सर टिकटॉक बैन हो गया, आप कितने खुश हैं इस बात से? बहुत खुश हूँ टिकटॉक बैन हो गया। इस तरीके से टिकटॉक का जितना शराब है, टिकटॉक तरीके से जितना शराब है सब बैन हो गया। चला रोने दो लोगों को। अभी मैं सुन रहा था कि मोदी को गाली देने, चला माँ गाली क्यों दे रही हो टिकटॉक बैन होने से? हाँ उसमें तुम्हारे मतलब क्या है सर? बैन तो हो गया, तुमको बार बार बोल रहा हूँ टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कि तुम्हारा टैलेंट दिखाने के लिए। बंद हो गया, बंद हो गया। टिकटॉक बैन करने पर आप पार्टी भी दे रहे हो, बहुत बड़ी 9 तारीख बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ मैं टिकटॉक बैन हो गई। ओके मेरा भी अकाउंट था, मैं भी डिलीट कर दिया और मैं भी अनइंस्टॉल कर दिया टिकटॉक आपको। तुम भी डिलीट कर दो। ओके अब डिलीट करे ना करे यानी क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। अब काफ़ी सारे जो टिकटॉकर हैं वो हैं दुखी कि हमारा टिकटॉक बंद हो गया, हेलो लाइकी टाइकी माइकी सब बंद हो गया और अब हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हो गए। तो उन लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि देखो अगर आप में कला है, अगर आप में आर्ट है, टैलेंट है, तो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म चूज़ करके उसके ऊपर दिखा सकते हो। नहीं है वो बात अलग है जिनमें, बट जिनमें है वो अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करके उस पर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने इतना काम कर लिया और इतना नाम कमा लिया है जो बड़े बड़े टिकटॉकर हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर लेके बैठे हैं, तो अगर आपका फॉलोअरशिप इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपका कंटेंट डेफिनेटली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी अप्रिशिएट किया जाएगा, आई थिंक सो। क्योंकि गवर्नमेंट को गाली दे के या किसी को भी गाली दे के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एवरीथिंग इज़ बिलो नेशनल सिक्योरिटी आई थिंक। और साइबर थ्रेट था टिकटॉक से, इसलिए ही टिकटॉक और बाकी ऐप्स को बैन किया गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर लेती है इन्फॉर्मेशन का इन ऐप्स से। और टिकटॉक का एक और बहुत बड़ा फ्लॉ था जो लोगों को नहीं पता था, वो आपसे कभी भी लोकेशन एक्सेस करता नहीं था, बट आपके सिम कार्ड से आपकी लोकेशन हमेशा एक्सेस करता था, वो भी बिना परमिशन के। तो गवर्नमेंट तो वैसे भी जो अपने आर्मी और सोल्जर्स रहते हैं उनको अलाउ भी नहीं करती थी टिकटॉक ऐप रखना, और बेटर है कि हम भी ना रखें ऐसी कोई भी ऐप जो हमारी बिना परमिशन के हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती है। अब कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि बुलढाणा का मौसम बहुत अच्छा रहता है, वो वाकई में रहता है, पर उसके साथ एक और चीज़ कही जा रही है कि कोरोना वायरस जो बिल गेट्स लेके आए इस दुनिया में। सुनने में थोड़ी उटपटांग सी है, बट इस बारे में बात करेंगे अपन। से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नीट और जेई की डेट एक बार फिर से चेंज हो गई। तो ये तीसरी बार है कि गवर्नमेंट ने अपना डेट चेंज किया है, यानी
पहले मई में थी, फिर खिसका के इसको जुलाई में किया, फिर खिसका के अभी सितंबर में कर दिया। यानी जो बच्चे इस साल जेई और नीट देने वाले हैं उनको ऑलमोस्ट एक 6 महीने का एडिशन मिला है, इसमें एडिशनल टाइम मिला है 6 महीने का प्रिपेयर करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ, इतना तो ऐसा लगता है ड्रॉपर बैच में पढ़ाई कर। ये पहाड़ मैंने बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है, ये एक्टिंग थी सी। बचपन में जब हम टीवी देखा करते थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि टीवी में जो दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता, और क्योंकि हम नादान थे तो हमें लगता था सब सच होता है। वैसा ही अभी क्या चल रहा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। सब लोग सोचते हैं व्हाट्सएप पर जो भी ज्ञान आता है वो सच होता है और ऑथेंटिक होता है। मुझे नहीं पता उसका सोर्स क्या होता है, बट लोग पता नहीं कैसे यकीन कर लेते हैं कि व्हाट्सएप पे जो भी आता है वो सब ऑथेंटिक चीज़ होती है। रिसेंट में मैंने एक मैसेज पढ़ा था जिसमें मैसेज में लिखा था कि FBI ने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जिसने कोरोना वायरस डेवलप किया था चाइना के कहने पे, और उसने बोला गर्म पानी से कुल्ले करो तो आपका कोरोना वायरस मिट जाएगा। मतलब कौन हो भाई, हैं चाहते क्या हो भाई? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर ऐसे ही मैंने एक वीडियो देखा डॉक्टर का, मतलब अखंड ज्ञान वाले डॉक्टर, अलग ही लेवल। फिर नॉन ह्यूमन एनिमल्स पे कीजिए। वेट अ मिनट, हु आर यू? वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है और ये सब जो होता ही नहीं है, पूरी दुनिया पागल है, कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, और अगर कोई प्रूव कर देता है कि कोरोना वायरस होता है तो वो उसको 1,00,000 रुपया देगा। महामारी साबित करो एवं 1,00,000 रुपया इनाम पाओ। पहली बात तो उन अंकल जी को ढूंढने कौन जाएगा, और दूसरी बात क्या पता वो डॉक्टर भी ना हो। मगर वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वैसी बात कर दी जैसे आकाश चोपड़ा कमेंट्री में करता है, मतलब हाथ पैर ना देखना, बस बोलते जाना, कुछ भी बोलना, बोल रहे हैं कोरोना कुछ नहीं होता, लोग पागल बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी साजिश है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी थे वो भी, शायद व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आए थे, तो बोलते कि बिल गेट्स ने कोरोना फैलाया है। और दुख की बात तो यह है कि इंडिया में भी बहुत लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, US में तो लोग पागल ही हो गए ये बात सुन के, मतलब उनको तो यकीन हो गया है कि बिल गेट्स ने कोरोना वायरस डेवलप किया है चाइना के साथ मिलके, क्यों? ताकि वो उसकी वैक्सीन दे लोगों को बाद में, और उसके साथ वो एक चिप इंजेक्ट कर देगा लोगों के अंदर। अब वो चिप इंजेक्ट करके लोगों को ट्रेस किया करेगा, और इसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, PM CM DM जो भी होते हैं, सब इंक्लूडेड हैं। तो मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसी स्टूपिड सी कॉन्स्पिरेसी पे कैसे बिलीव कर लेते हैं लोग, वो भी व्हाट्सएप पे है, वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जो फॉरवर्ड कर देते हैं लोग मन में जो भी आता है, जिनको लगता है कि हाँ भाई उनका ज्ञान बाकी दुनिया के ज्ञान से ज़्यादा है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। बेसिकली जो कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो टू मेक देमसेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द ऑडियंस वो ऐसी अफवाह बनाते हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, ऐसा हो वैसा ऐसा, जैसे मून लैंडिंग वाली थी, जैसे कि पहले बोलते थे अंडरटेकर ने 7 बार जन्म लिया होता है, 7 बार मरता है। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले वो अंकल उससे कम नहीं थे, और वो जो मान रहे ना कि बिल गेट्स ने कोरोना वायरस बनाया, वो लोग उनसे कम नहीं जो ये मानते कि 7 बार अंडरटेकर जिंदा और मरता है। आप खुद सोचो, बिल गेट्स जो कि जिस आदमी की पूरी ज़िंदगी निकल गई सिर्फ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, और दूसरी चीज़ अगर आप गूगल जाके करोगे कि बिल गेट्स ने कितना डोनेशन किया है, तो ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट कंट्री को उसने अच्छा खासा अमाउंट डोनेट किया हुआ है। क्यों? ताकि कंट्रीज डेवलप हो सके, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट किया है। और वो आदमी 75-70 साल की उम्र में मरने की कगार पर आके चिप इंजेक्ट करेगा लोगों के अंदर, क्योंकि उसको लोगों को ट्रेस करना है। वाह भाई, मतलब जैसे 2000 की नोट में चिप लगी थी ना, वैसे ये चिप लगाएगा लोगों के अंदर। वाह, हम घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, ब्लैक मनी घोषित कर दिया जाएगा, वैसा ही लग रहा है। और क्या, तो मतलब एटलीस्ट कॉन्स्पिरेसी पे लोगों को बिलीव करने से पहले एक बार फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया बैठी है कोरोना वायरस के फैक्ट्स लेके, इतने लोग मर गए हैं। लोग क्लेम कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंकल क्लेम कर रहे हैं कि इतने तो लोग मरे ही नहीं। इटली और अमेरिका में जो मृत्यु दर जो बताई जाती है 5% 10% ऐसा नहीं है, वो 0.1% से भी कम है। अब एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है, अरे भैया हमारी फैमिली में एक इंसान कोरोना वायरस से मरा है, तो हम पागल हैं, पूरी फैमिली पागल है, वो पागल है जो इंसान गुजर गया, और ये समझदार हैं भाई कि कोरोना वायरस तो होता ही नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी जो टेस्टिंग किट है वो थोड़े डिफेक्टिव रहते हैं, 100% नहीं उनका पोटेंशियल रहता, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आते हैं, बट कोरोना वायरस एग्जिस्ट, अगर नहीं कर रहा होता तो चाइना झुकता नहीं इस तरीके से, पूरे वुहान को लॉकडाउन नहीं करता।
क्योंकि चाइना तो सबसे बड़ा थ्रेट है कोरोना वायरस से बड़ा इस दुनिया को। साथ ही साथ ये भी पता चला कि चाइना ने WHO को नहीं बताया था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है वुहान के अंदर। एक वॉशिंगटन के बंदे ने, जो मेडिकल एग्जामिनर था, उसने इन्वेस्टिगेट करके थोड़ा बहुत चेंजेस नोटिस करे थे वुहान के अंदर, उसने बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है वुहान में और आपको फैक्ट्स इन्वेस्टिगेट करने चाहिए। तब WHO ने वुहान में जाके देखा था और CCP को अप्रोच किया था, चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को, कि क्या हुआ है। तब पता चला था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। तो मतलब इतने बड़े बड़े, इतने समझदार लोग बैठे हैं, WHO को भी मतलब बिल गेट्स ने खरीद लिया, और मतलब नरेंद्र मोदी जी को भी खरीद लिया, USA के प्रेसिडेंट को भी खरीद लिया। इतना पैसा कहाँ से लाते हो बिल गेट्स, अभी बताओ यार। पूरी दुनिया को ही खरीद लिया उस बंदे ने सिर्फ चिप इंजेक्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट चल रहा था उसी के ऊपर था, नहीं वो तो ब्लैक पीपल के ऊपर प्रोटेस्ट था, बट ब्लैक पीपल के साथ साथ प्रोटेस्ट करते करते एक नया प्रोटेस्ट चालू हो गया USA के अंदर कि हाँ भाई बिल गेट्स चोर है, उसने जानबूझ के कोरोना वायरस फैलाया है, और मीम्स बनने लग गए, ट्रॉल्स बनने लगे। ऑल्दो इंडिया में इतना फेमस नहीं हो पाई क्योंकि टिकटॉक से बड़ा मीम चल नहीं रहा था इंडिया में फिलहाल में, तो इसलिए फेमस नहीं हो पाए। बट फिर भी आप सोच कर देखो कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी सर्व किया है कंट्री को, वर्ल्ड को, अच्छे अच्छे अपने घर में लैपटॉप मंगवा कर दे दिए, बनवा बनवा के PC बनवा के दे दिए, जिसपे सब लोग बच्चे गेम खेलते हैं, उसी पे बैठ के मीम बनाते हैं, और बोल रहे हैं कि बिल गेट्स ने कोरोना वायरस फैलाया है, और यहाँ तक कि उस आदमी पर अटैक भी हो गया, लोगों ने अपना आउटरेज दिखाया उस पर अटैक करके। तो अब कॉन्स्पिरेसी होती है, ये मानना ठीक है, इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेसी होती है, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी चलती हैं, बट कॉन्स्पिरेसी का कोई फैक्ट नहीं होता, ना कोई प्रूफ होता है। जो लोग बोल रहे हैं कि बिल गेट्स ने फैलाया है, तो कोई प्रूफ दो। जैसे चाइना का प्रूफ निकल के आया था कि हाँ वुहान से आउटब्रेक हुआ है, तो प्रूफ है, बट जिस चीज़ का प्रूफ नहीं उसको मान कैसे लेते हैं लोग, और इतना मान लेते हैं कि इस पर हमला कर दें। यानी कि जैसे सौरभ सर बोले कि डॉक्टर को, यानी डॉक्टर बोल रहा है, और डॉक्टर बोल रहा है कि कोरोना वायरस क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो और डॉक्टर को लेके जाओ, कोरोना पेशेंट्स के पास रख दो, उसको खाना वहीं खिलाओ, जब उसको खुद हो जाएगा तब पता चलेगा कोरोना वायरस है या नहीं है। सबसे अच्छी बात बारिश करो यही है कि जब हम बाहर जाते हैं तब वो कभी नहीं होती, जब हम अंदर आ जाते हैं तभी होती है। तो अभी बारिश हो रही है और मुझे लगता है लगातार सुबह तक भी होगी। और ये आ गया आपका वीडियो का एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और लोगों से शेयर करना है। अपने सब्सक्राइबर डेली दो तीन बढ़ते हैं, एंड होपफुली और बढ़ेंगे अगर आप लोग और पुश करोगे कंटेंट को जगह जगह, जैसे कि दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए 4000 वॉचर की कगार पे। अब बस आप सबका थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, क्या करो एक बार बैठ के जितने भी अपने अभी तक के ब्लॉग्स ना सब दोबारा देख लो, 4000 वॉचर एक दिन में हो जाएंगे। बस इतना ही कर दो आप, उतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड हाँ, नो हार्म इंटेंटेड और नो ऑफेंस इंटेंटेड टू एनीवन, और हाँ आयुर्वेदिक वाले भी डॉक्टर होते हैं, बुरा मत मानना।